सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी क्लासिक 350 की सर्विस करवाने। ये सेकंड सर्विस होने वाली है इस बाइक की। इससे पहले मैंने आज तक कभी भी रॉयल एनफील्ड की सर्विस के जो है एक्सपीरियंस मैंने आज तक नहीं लिया है। और इससे पहले जो सर्विस के लिए गए थे वो फादर साहब गए थे, अभी मैं जा रहा हूँ और मेरे दादा जा रहे हैं। और मैं आपको आज का एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। अगर आप रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक परचेज करने वाले हैं इन फ्यूचर, तो आपके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको इस वीडियो में पता चलेगा रॉयल एनफील्ड की सर्विस कॉस्ट और क्या जो इसके अंदर सर्विस का एक्सपीरियंस आपको आता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज हम चलते हैं फटाफट से सर्विस के लिए। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी क्लासिक 350 कुछ इस तरीके से दिखती है। ये हेलिकन ब्लैक हमने कलर लिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। और कॉस्टिंग की बात करते हैं, लगभग 3.25 लाख रुपए की ये बाइक हमें कॉस्ट किया था इस बाइक ने। और एक्चुअल में ये डुअल डिस्क वाला जो है, ये डुअल चैनल डिस्क ब्रेक वाला आपको जो है वेरिएंट मिलता है। इसके अंदर हमने कुछ मोड्स भी करवाए हुए हैं कंपनी के थ्रू ही, तो इसके अंदर कुछ एक्सेसरीज भी लगी हुई है। तो इसका डिटेल रिव्यू मैं एक डालने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हितेश शर्मा ब्लॉग्स को जो है सब्सक्राइब कर लो, कि 3.25 लाख रुपए की ये बाइक क्यों पड़ेगी आपको, इतनी महंगी बाइक कैसे पड़ेगी। क्योंकि रॉयल एनफील्ड की यूजली बाइक जो है 2 लाख रुपये तक प्रॉपर आ जाती है, लेकिन ये 3.25 लाख रुपए तक की क्यों आई, तो उसका आज जो है मैं एक शूट करने वाला हूँ वीडियो। तो अभी चलते हैं पहले सर्विस सेंटर, फिर जो है सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फटाफट से रेडी होते हैं और चलते हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपनी फेवरेट बाइक को, ठीक है, घुमा लेता हूँ बाइक को। थोड़ा सा टाइट करने का पड़ेगा। Let's go. लाइसेंस नहीं है शायद, फोन में है, डिजी लॉकर में। हाँ तो गाइज, लाइसेंस भी लेना था लेकिन पापा के पास रह गए गाड़ी में। चलते हैं हम लोग। तो मोटो व्लॉगिंग प्रॉपर हुई है भाई साहब, प्रॉपर आराम आराम से चलेंगे। तंग मैनू दस बलिए मैट्री ना प्लस बलिए करता है तंग केड़ा दस बली बहुत ज्यादा गर्म हो रही है भाई साहब, बहुत ज्यादा गर्म। और धूप भी हो गई है, जब हम निकले थे तब धूप नहीं थी ऐसा, है ना, लेकिन अभी जो है धूप बहुत ज्यादा हो चुकी है। और टैंक, ओह माय गॉड, बहुत गर्म हो रहा है। इसके अंदर फ्यूल भी बहुत कम है, एक ही गेज जो है इसके अंदर दिखा रहा है जो कि रिजर्व वाला है ना। अभी देखते हैं कहीं फ्यूल के लिए अगर कुछ मिले तो हम फ्यूल डलवा लें। बाकी बहुत धूप है यार, डस्ट भी है। मैं वो वाला मास्क ही भूल गया, जो अपना भूल गया गया, मैंने इग्नोर कर दिया उस मास्क को, जो पूरा ही जो है, एक मेरी वीडियो आपने देखी होगी आंट मैन वाली, जो पूरा ही मास्क आगे लग जाता है। तो
वो मास्क ही मैं मतलब इग्नोर कर दिया। मैं कहा यार वो बुलेट के लिए सूट करेगा नहीं करेगा, क्या है क्या नहीं है, इस वजह से मैंने इग्नोर कर दिया उसको। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। बाबा रख दो ना, पीछे रखने के लिए कह रहा हूँ। तो भाई 2 मिनट है, स्टार्ट कर दिया हमने बुलेट को। तो भाई अमेजिंग राइड रही है अभी तक। अभी हम सुभाष नगर वाले रोड पे हैं, मतलब थोड़ा और आगे जाके है तिलक नगर, हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। और फ्यूल का कांटा कम है इसके अंदर, अब क्या होगा वो तो नहीं पता है ना, बाकी देखते हैं। यार एक स्कूल का फ्रेंड दिख रहा था मुझे भाई। ये आ गया शोरूम लांबा एंटरप्राइजेस, जहाँ से हमने ली थी। और चलते हैं फटाफट से, ग्रीन हो गया है सिग्नल। भाई रास्ता मेरे को ना थोड़ा तक ही पता है, पैसिफिक मॉल तक के हैं फ्लाईओवर पे। तो बाबा मेरे को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ जाना है, तो बाबा को पता है क्योंकि मैं कभी भी दिल्ली में घूमता हूँ तो मैं एकदम मैप के ऊपर ही घूमता हूँ। लेकिन मेरे दादा को हर एक रास्ता पता है, तो इस वजह से मैं अपने गूगल मैप को साथ में लेके आया हूँ मेरे दादा। बाकी फ्लाईओवर पे चढ़ाना है हमें, और आते समय फ्यूल अप जरूर करेंगे यार आते समय, या फिर अभी देख लेते हैं क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि और आगे तक जा पाएगी। फिलहाल अभी 11.1 किलोमीटर चलते हैं। आज मैं ला के फंसा चुका हूँ, ठीक है। 4 बजे तक हमारी बाइक की सर्विस होगी, और यहाँ से जो है पूरा अपना जो है सर्विस सेंटर का व्यू आता है कि किस तरीके से साफ़ हो रही है बाइक। बाकी कुछ इस तरीके का जो है व्यू आता है, और अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ भाई, सही है। बाकी बाइक सर्विस सही से कर दें। TVS वाला भी दे, वो तो ऐसा ही है, वो तो बड़ा है। हाँ मेरा स्कूटर वाला बताओ ज़्यादा बड़ा है। जो भी है वहाँ लिखा हुआ है नो फोटोग्राफी नो वीडियो रिकॉर्डिंग, लेकिन हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, सर्विस होने के बाद मिलते हैं। इतनी देर वेट कर लिया, अभी 3 बज गए हैं और मैं लगभग 12-12:30 आ चुका था इधर, लेकिन अभी तक हमारी बाइक लगी नहीं है। देख रहे हो भाई कितना लेट हो गया, और वो भी अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद ऐसा हो रहा है यार। भाई लग रहा है पूरा दिन ही लग जाएगा, है ना। साइड में पार्क भी है, मन तो कर रहा है जाने का, लेकिन नहीं भी मन कर रहा है कई बार तो। भाई बहुत ही ज़्यादा डिले कर दिया यार हमारी बाइक को। चलो वैसे तो हमारी क्लीन ही रहती है यात्रा बाइक, बाकी देख रहे हो यार कितनी गंदी गंदी बुलेटें रखी हुई है, बिल्कुल एकदम गंदी कर रखी है भाई साहब। बुलेट की कोई वैल्यू नहीं रखी हुई भाई लोगों ने यार। यार एक इमोशन है, इसको क्लीन रखा करो भाई आप लोग, ठीक है। अब ये देख लो ओल्ड बुलेट है, इसका डिस्क प्लेट जो है ना उस साइड है लेफ्ट साइड, और जो इसका चेन है इस साइड है राइट साइड। अभी जो नई वाली हमारी बुलेट है इसका जो है डिस्क राइट साइड है, और जो चेन है वो लेफ्ट साइड है। बाकी ये कुछ है बाइक अपनी, खूबसूरत तो है। बाकी ये हिमालयन खड़ी है भाई, टॉप बॉक्स भी लगा हुआ है, इसी के आगे एक और हिमालयन खड़ी है। सर ये नॉर्मल स्टॉक है, इसमें कुछ लाइटों वगैरह भी लगी हुई है, बाकी ये आप देख सकते हो।
कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है प्रॉपर भाई। सही में शौक की कोई ना सीमा नहीं होती भाई। देख रहे हो किस हद तक इस गाड़ी के ना सीटों को मॉडिफाई किया हुआ है, और पीछे ना जो टॉप बॉक्स है उसके लिए भी स्पेस छोड़ा हुआ है भाई। सब देख रहे हो इस बाइक के अंदर जो है गोल्ड विंग जो आती थी उसी का ही जो है प्रॉपर सीटें यूज़ की गई है, बाकी अपनी बाइक अंदर चली गई है। तो फटाफट चलते हैं अंदर। फाइनली रेडी तो हो गई है बाइक, है ना, साफ सुथरा तो करी दिए। पॉलिश मारा हुआ है, पॉलिश के बाद थोड़ा ग्लॉस कम लग रहा है, पता नहीं क्यों है। पॉलिश के बाद ग्लॉस बढ़ जाता है लेकिन इसमें कम लग रहा है ना। कोई नहीं, अभी घर जाके एक सूखा कपड़ा इसके ऊपर मैं मारूंगा माइक्रो फाइबर, फिर इसको क्लीन करूंगा, और थोड़ा पानी वानी नीचे छोड़ दिया ना, ढंग से साफ़ नहीं किया एक तरीके से। और भाई पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये देख रहे हो ये भी ऐसे ही रह गया है, उससे डल हो गया है ना, पहले साफ से डल हो गया, पता नहीं क्या चीज़ है। चलो जो भी है इसको हम घर जाके फिर से क्लीन करेंगे, है ना। बाकी बाबा ये कह रहे हैं कि पहले से भी डल हो गया है। बाबा नहीं, पहले से भी डल हो गया है, हैं बताओ यार। अब नहीं बनाया, बना रहा है, गेट पास बना रहे भाई, है ना। गेट पास वगैरह बनेगा तो फिर चलते हैं। तो भाई अभी चल रहे हैं फटाफट से, और बाइक अभी थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं क्योंकि गर्म हुई है ना, मतलब जो ठंडी हो गई है पानी वानी की वजह से। हेलमेट पहन लिया है, गर्म होगा तो तेज चलेगा, थोड़ा धीरे चलेगा मतलब। बाबा मजे लेते रहते हैं वैसे। और तो थोड़ा देख रहे हो ग्लॉसीनेस थोड़ा कम हो गया यार, पता नहीं क्या रीज़न है। आपको कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा, बाकी इसको हल्का सा नीचे करवाया है, देखते हैं क्या होता है, चलते हैं बाकी। फाइनली गाइस घर पे आ चुका हूँ, तेल निकल गया, बाय गॉड सही बता रहा हूँ। आदत है एंटॉर्क चलाने की, ऑटोमेटिक टाइप की गाड़ी चलाने की। कार होती तो मैं आराम से चला लेता, लेकिन क्लच दबा दबा के, लेकिन मेरे को एज सच ज़्यादा इतना थकावट नहीं हो रहा, लेकिन वो रश जो था ना, धूल मिट्टी पॉल्यूशन इतनी सारी चीज़ें जो है ना माइंड को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। एनीवेज आपको थोड़ा बहुत व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ ना तो एक्सपीरियंस बड़ा ही बेकार रहा मेरा, उतना गजब का नहीं रहा मेरा रॉयल एनफील्ड से, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं जाऊँ, मेरा नंबर लगे और फटाफट गाड़ी जाए, अपना सर्विस वगैरह होके आ जाए, जो चीज़ मैंने लिखवाई है वो चीज़ें परफेक्ट होके आ जाए। मेरे को वहाँ खड़ा होना पड़ रहा था कि भाई ये ठीक करो, ये सही करो, लिखे होने के बावजूद भी वो लोग नहीं कर रहे थे सही। उनको मैंने जाके जबरदस्ती बोला कि भाई आप ठीक कर दो, तब जाके उन्होंने जो है बाइक का जो प्रॉपर जो प्रॉब्लम्स थी वो ठीक की। बेसिकली मेरे को प्रॉब्लम्स क्या थी, बाइक बिल्कुल ही परफेक्ट चल रही थी, उसमें हैंडल में प्रॉब्लम थी कि हैंडल एक साइड का हैंडल थोड़ा सा आगे के साइड हो रहा था, तो अभी वो परफेक्ट हो चुकी है, अभी ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और दिक्कत हो गई है कि उसके ऊपर मैंने सेरामिक तो लगी हुई थी बुलेट के ऊपर, उसके ऊपर मैंने जब पॉलिश भी लगवा दिया, उससे क्या हुआ कि गाड़ी के अंदर जो
ऊपर से कोटिंग होती है ना वो ऐसी हो गई है कि मतलब उसके डलनेस आ गया है गाड़ी के अंदर, मतलब ग्लॉसीनेस वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। तो वो उसके ऊपर एक बार और पानी मार के शैम्पू करके गाड़ी को फिर से एक बार साफ करना पड़ेगा। तो इनके साफ सफाई इतनी घटिया है, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस इतना बेकार रहा। और फ्री सर्विस के नाम पे मेरे से 450 रुपये ले लिए गए इन लोगों ने, ले लिया मेरे से, तो ये चीज भी बड़ा बेकार लगा। तो ये कुछ है चीजें। बाकी बाइक लेना चाहते हो आप ले लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इनके सर्विस सेंटर से इस टाइप का वो आप कर रहे हो कि हाँ भाई अच्छा सर्विस सेंटर होगा, तो इतना अच्छा नहीं है। प्लीज आप वहां के साइड, एक चीज और थी मैं आपको बता देता हूँ, वहां ना सुपर मेट्रो और एक बंदा लेके आया था, उस बंदे को इतनी लग्जरी ट्रीटमेंट मिल रही थी और कहीं भी खड़ा हो रहा था और बाइकों को प्रॉपर चमका के रख रहे थे, प्रॉपर उस बाइक को ध्यान रख रहे थे। यार पता नहीं हमने भी 3.5 लाख रुपए की बाइक ले रखी है, हमें क्यों इतना वो कर रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा 4.5 लाख रुपए की बाइक होगी जब भी जो है हमारी बाइक को थोड़ा सा कम भाव दिया जा रहा था। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आप कोई और स्टेट से देख रहे हो और आपके साइड का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, या फिर आपका भी अगर बुरा रहा है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और जो मतलब मैंने जो चीजें बताई है होप आप रिलेट। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।